हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करने वाले एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड uh, कुछ दिन पहले ही बात करी थी दोबारा मैं बात करने जा रहा हूं क्योंकि देखिए लोग उसमें घबराए हुए हैं और उसमें एक बार बातें करनी बहुत जरूरी है बट बिफोर फॉरदर वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल हम इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरह की, की वीडियो आपको डेली बेसिस से मिलती रहे आज के डेट में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है अपर सर्किट लगता हुआ नजर आया है दो रुपए पे शेयर चल रहा है अगर बात करें यहाँ पर कल की डेट में काफी सारी वीडियोज आई थी इन वीडियो को जाके देखिए प्ले को आप देखिए प्ले में आपके लिए यहाँ पर नॉलेजेबल वीडियोज बना के डाल रखी है एज वेल एज स्टॉक मार्केट को सीख के आप रही तो अच्छा खासा पैसा मार्केट के में कमा सकते हैं इस वीडियो में मैंने आपने स्ट्रेटेजी भी बताई है किस स्ट्रेटेजी के बेस पे हमने यहाँ पर ये स्टॉक चूज किया था वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है अगर आपका ट्रेडिंग डीमेट अकाउंट नहीं क्लिक करे फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो वीडियो में हम बात कर रहे हैं देखिए Uh, कुछ दिन पहले हम पॉलीमेड के बारे में बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में frank, में टू बी वेरी फ्रेंड लास्ट तक वीडियो बने रहिएगा नाम देखने से चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा रीजन uh, बताना चाहूंगा कि uh, आपको अपॉर्चुनिटी क्यों मिल रही है बाकी हम बात करें पॉलीमेडी की और देखिये पॉलीमेडी की और शेयर uh, इतना गिर गया था इतना गिर गया था अगर हम बात करें तो लोग घबरा गए थे अगर यहाँ पर वन मंथ का चार्ट पैटर्न लेता हूँ तो यहाँ पर देख ले ग्यारह रुपए से लेखे ये शेयर जो आया है ये आठ रुपए तक ये शेयर आया था तो मतलब ग्यारह सौ से आठ सौ सत्तर थे मतलब तीस पैंतीस परसेंट तक की गिरावट चालीस परसेंट तक की गिरावट इस शेयर में हो गई थी और लोग यहाँ पर घबरा गए थे काफ़ी लोगों ने बेचा भी होगा बट मैंने बीच में ही यहाँ पर वीडियो डाल दी थी और बताया था कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है ये स्टॉक फिर दोबारा भागेगा इसके पीछे एक रीजन था इसके पीछे एक साइंस थी और इसके पीछे एक स्टडी थी इसके पीछे ऐसा ही नहीं कि हमने कोई भी स्टॉक चू, चूज कर लिया था और ऐसे ही हम तुक्का मार रहे थे उसके पीछे रीज़न था और वो मैं आगे आपको बताऊंगा और आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो आज की डेट में वो हमने बायोन डिप्स किया ओके okay, मैंने हर एक को कमेंट किया था कि बाय ओन डिप्स करवाया था और अगर बात करें तो यहाँ पर आपको वीडियो मिल भी जाएगी उस उ, काफी लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया था मैंने उनसे कहा था बायो एन डिप्स करते रहिए करते रहिए अच्छा खासा पैसा मिलेगा और आ, आज की डेट में यहाँ पर 6.35 परसेंट लगभग फिफ्टी सेवन रुपीज़ यहाँ पर जंप मिला है और यहाँ पर अगर बात करें जो अगले क्वार्टर के रिजल्ट आएंगे तो ये जो इसका ग्यारह सौ का टारगेट है इसके आसपास तो डेफिनेटली चला जाएगा बल्कि इसे भी क्रॉस कर दे कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है बाकी मैक्सिमम पैटर्न आप देख सकते हैं ऐसी गिरावट इसमें आती रही है बाकी ये आ, काफी फ्लैट यहाँ पर चलता रहा था बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में यहाँ पर कंपनी खर्च कर रही है तो ये शेयर भागेगा बट इसे छोड़ते हैं अभी बात कर रहे हैं हम एपल इंडिया की एफ एल इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका मैक्सिमम जो है फिफ्टी टू वीकसठ सौ पिछासी रुपए और फोर्टी फाइव नाइन टू की अगर बात करें तो लगभग लगभग शेयर सत्रह सौ रुपए करेक्ट हो चुका है और सोलह सौ सत्रह सौ रुपए करेक्ट होना कोई ईजी बात नहीं होती तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए सोलह सौ सत्रह मतलब तीस परसेंट से ज्यादा का यहाँ पर करेक्शन आ चुका है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है देखिए भागा भी था तो गिरा भी है कोई इशू नहीं है गिरा भी है बट इसका

तो हमने पहले में बात कर लेते था पॉली पॉलीम की तो अगर देखिए पॉलीम में आ... ये शेयर इसी तरीके से करेक्ट हुआ था और यहाँ पर देखिए कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉंग थी यहां पर मार्केट कैपिटल अच्छा था डेट इक्विटी रेशियो अच्छा था ओके यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर सेल्स हाईएस्ट एवर थी हाईस्ट एवर सेल्स थी हाईएस्ट एवर यहाँ पर नेट प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट था सेल्स ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंसिस्टेंसी थी और बात सबसे मेन बात अगर हम बात करें ना यहाँ पर अगर यहाँ पर बात करें एफ की तो देखिए एफ ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं एफ ने हिस्सेदारी बढ़ाई है डी ने हिस्सेदारी रही है प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी चार परसेंट डेफिनेटली कम हुई है बट वो किसने खरीद लिया वो खरीद लिया एफ आई ने, ने वहां पर खरीद लिया यहां पर जब इन बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर माल खरीद रखा है और उसी लेवल के आसपास माल खरीद रखा है तो वो बेवकूफ़ नहीं है उन्होंने भी अगर हजार के आसपास भी अगर शेयर खरीदा होगा तो उन्हें ऊपर ले जाना है शेयर उन्हें वो भी तो प्रॉफिट करना चाहते हैं ना और यहाँ पर वो लोग ले ही जाएंगे इस बात को भी याद रखिए और यहाँ चालीस परसेंट नहीं यहाँ पर काफ़ी सारे फंड्स ने यहाँ पर पैसा लगा रखा है तो आप देखेंगे तो केवल पंद्रह सोलह की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है और वो भी पंद्रह सोलह भी नहीं होगी उसके उसकी कमी होगी तो इस शेयर को ऊपर जाना ही है इस चीज़ को समझिए ले ही रहेंगे। से बड़े होते और वो ऊपर लेके ही रहेंगे इतना करेक्ट हो चुका है उन्हें गिरना होता है और नीचे लेवल पर लाना होता है और रिटेल इन्वेस्टर घबरा जाते हैं और बेच देते है इसी हिसाब से अगर बात करें देखिए एक दो केसेज फोन पे से रिलेटेड यहाँ पर कोई केसेस यहाँ पर चल रहे हैं एज वेल एज बात करें कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है ऐसा कुछ क्राइम इसने नहीं कर दिया है और बात करें नमूरा नमूरा ने यहाँ पर खुद इसकी रेटिंग नेगेटिव कर करी थी अगर बात करें नमूरा ने कह दिया था कि ये शेयर और नीचे आ सकता है इसकी थोड़ा सा यहाँ पर डिग्रेड कर दिया था ये बट अगर हम बात करें यहाँ पर शेयर की तो यहाँ पर देखिये नमूरा नमूरा इंवे, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड की बात करें तो वन की हिस्सेदारी और वन की हिस्सेदारी का मतलब आप समझ रहे हैं यहाँ पर इसे अगर देखेंगे तो बहुत अच्छी खासी हिस्सेदारी मतलब 1800 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी उसकी सॉरी 1800 नहीं थोड़ी कम बट हाँ यहाँ पर अच्छी खासी हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है मतलब 150-200 करोड़ रुपए के आसपास की हिस्सेदारी यहाँ पर नजर आती है तो इस चीज को समझिए उसने भी इस, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है और डेट टू इक्विटी इक्विटेशन यहाँ पर भी देखिए कमी है यहाँ पर आर ही काफी बेहतरीन है इसके अलावा कंपनी जो बिजनेस जिस में काम करती है जिस सेक्टर में काम करती है वो यूनिक मॉडल है और अगर एक तरीके से कहीं मोनोपोली बिजनेस है तो वो भी गलत नहीं होगा मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में कंपनी लीडर है ओके और धीरे धीरे अपने आप को जैसे जैसे एक्सपेंड कर रही कर रही है जैसे जो कि आपको यहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर देखिए फिक्स एसेड यहाँ पर बहुत बेहतरीन यहाँ पर खर्च करते हुए नजर आया चार करोड़ रुपए तो यहाँ पर जब ये खर्च खर्चे जब यहाँ पर दिखाई देता है ना यहाँ पर मतलब

ओके okay, अच्छा खासा ट्रेड रिसेबल है आर काफी बेहतरीन है और जो भी पैसा आता है इनकी बुक में दिखाई देता है जब सब चीज यहाँ पर आपके आपके अकॉर्डिंगली हो रही है तो ऐसे शेयर को नहीं बेचा करते यहाँ पर डी यहाँ पर अगर बात करें प्रमोटर्स ने थोड़ी सी हिस्सेदारी ना के बराबर एक वन पॉइंट की हिस्सेदारी कम करी है बट अगर बात करें एफ ने हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाई है इस चीज को समझी है एफ आई पागल नहीं है उन्होंने भी अगर बात करें ऊपर लेवल पर भी कुछ नए शेयर खरीदे होंगे तो ऊपर ले जाना है बहुत गिर चुका है शेयर अगर कोई कह रहा है कि हाँ दो पे आ जाएगा तीन पे आ जाएगा ऐसा नहीं होने वाला और वो भी अभी चीज मैं आपको दिखाऊंगा पब्लिक की बात करें पब्लिक के पास 13% की और पब्लिक के 13 भी नहीं होगी आई एम श्योर sure यहाँ पर देखिए 4.5 पॉइंट सेवन सिक्स की हिस्सेदारी इस फंड ने ले रखी है तो इस चीज को थोड़ा समझिए बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की तो यहाँ पर देखिए जब पेंडामिक आया था तब 19 के आर एस आई यहाँ पर देखिए आर एस आई यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको नजर आएगा तो अगर बात करें तो 19 और 20 के आर एस आई पे कंपनी काम कर रही थी और अभी किस आर एस आई पे कंपनी काम कर रही है 23.07 के मतलब चार के आर एस पास ही यहाँ पर आर एस आई है अगर मैं आपको बताऊं कि कितना गिर सकता है तो देखिए यहाँ पर 200 हंड्रेड से तो यहाँ पर ऊपर जाना ही है आई एम एम श्योर अबाउट इट ओके तो यहाँ पर 4217 तक यहाँ पर शेयर आ सकता है बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ तक आएगा ही आएगा ये कभी भी रिवर्स हो सकता है पॉलीमेड को रिवर्स होने में कितना टाइम लगा था अगर हम बात करें पॉलीमेड अच्छा खासा गिरा ओके okay, दो तीन दिन अच्छी खासी गिरा, गिरावट दिखाई जब ये पैंड जब ये अभी यहाँ पर गया था तो यहाँ पर अगर देखे तो ये गिरना गिरा तो बहुत अच्छे से था अपने रिजल्ट के टाइम बट अभी अगर बात करें रिसेंटली तो चार पांच छह दिन यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था तीन चार दिन और बात करें सेम इसी की तरह एफ इंडिया तो यहाँ पर भी देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर टू हंड्रेड तो मुझे नहीं लगता अब यहां से रिवर्स होने के ही चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर कैंडल यहाँ पर पहले अच्छी खासी एक कैंडल बनी अगर बात करें फिर

क्योंकि ये होता है करेक्ट में इफ आई एम इफ आई एम रॉन्ग क्योंकि ऐसा ही होता है कि uh, जब भी uh, हम पहले नीचे लेवल पर लेते नहीं है फिर जब ऊपर भाग जाता है फिर कहते हैं कि वो मौका चूक गया तो मौका चूका नहीं है मौका आपके सामने है बस कौन ग्रैब करता है किस किसमें कौन थोड़ी सी हिम्मत दिखाता है तो बस वो वाली बात है बाकी और कुछ नहीं है बाकी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है 35 36 परसेंट के आसपास की अभी ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है और ऑलवेज कहता हूं जब भी आ, 200 हंड्रेड डीएमए के आसपास या तो शेयर आ जाए ओके या फिर यहाँ अभी तक तो ये फिफ्टी डीएमए से ही ऊपर जा रहा था अभी फिफ्टी को थोड़ा सा क्रॉस कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ सम न्यूज बट थर्टी सिक्स परसेंट बहुत फेवरेबल है मैं तो यहाँ पर कल की डेट में दोबारा यहाँ पर बायो टिप्स करने वाला हूँ बाकी आप अपनी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर